शायद हम झील के नीचे आ गए। देख रहा कुछ ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, पता चलता है कि जब इस झील का काम चल रहा था कमांडो, ये शेर बैठे हैं वहाँ। यस राजपूत है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे आप सब लोग, तो आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। एक बार फिर से आप सबका हमारे ब्लॉगिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे साथ है हमारे सहयोगी मिस्टर आदित्य वर्मा। जय साथियों, तो आज हम आपको लेके आए हैं सुंदरनगर टनल। जो टनल है वो है झील के नीचे, जो सुंदरनगर झील है उसके नीचे एक टनल है। जो झील है आपकी वो उस साइड है, उसके पल्ली साइड झील है और टनल इसके नीचे है। ये जो नीचे से रास्ता है यहाँ से टनल है, नीचे से जाएगी। तो ये है रास्ता टनल का, कितनी टनल तो बहुत है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 टनल, बट जो चलने लायक है वो ये वाली है। और ये कूड़ा कबाड़ पानी पूनी जाता है यहाँ से। अब नहीं दिख रहा लाइट ग्राउंड में कुंडी कूड़ा में। तो ये लगभग कितनी 100 मीटर होनी, 1500 मीटर ऐसे, मतलब मैप पे 1500 मीटर दर्शाया गया है, पर ऐसे हम चलेंगे तो ऐसे पता नहीं कितनी है। मैप में दिखाया गया है कि 1500 मीटर पर लगती है, नहीं 1500 मीटर होनी या नहीं। मेरी फ्लैश लाइट नहीं होनी, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है। अब शायद हम झील के नीचे आ गए। देख रहा कुछ, हाँ हम देख रहा देख क्या ऊपर। बहुत ही अंधेरा, अगर ये लाइटें ना होती तो यहाँ पर देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। अब लगता है मेरे को कि अब आए हम, ओ उसके नीचे झील के नीचे आ गया मैं ना। ये थोड़ा एक मतलब पैदल के लिए चलने के लिए ऐसे गाड़ियों के लिए सुविधा ही है नहीं, टू व्हीलर आ जाते हैं यहाँ से। ठीक ही लंबी है, मतलब कितनी टन पानी आता है नाला, कचरा कुचरा जाता है एक साइड से, एक में पैदल रास्ता। अब आया है यहाँ दिखा, नहीं पहले हम रास्ते से ये यहाँ ऊपर ऊपरी साइड में दे जा पानी, ए टॉर्च ये पानी ऊपर झील से आ रहा है पानी, और यहाँ पर भी ये जो पॉइंट पॉइंट ये जॉइंट जैसे है वहाँ से पानी रिस रहा नीचे। और आगे इसका एंड पॉइंट नहीं, 1500 मीटर लगती ही नहीं, ये तो 400 800 रखी ज्यादा 800 मीटर लग गए, 400 लग गए ज्यादा। पाँच मिनट क्या, 3 मिनट लगे लेटी, 1500 गई थी। तो ये है एंड पॉइंट, पहले यहाँ पर इतनी
वो नहीं थी, बिल्कुल रफ था नीचे को, है ना। अब भी बनाया गया है रास्ता ऊपर को, ऐसी याद है मुझे कुछ। तो यहाँ पर होगी एंड, और जो बाकी जो टनल है 1, 2, 3, 4, 5 टनल है बाकी। यहाँ पर गंदी गंद आता है, और ये है टनल। अब आगे हम झील के दूसरी साइड, पहले हम पल्ली साइड से बस स्टैंड उस साइड है पर, और पहुँच गए नीचे। देखिए ओ पहली साइड कौन सा मंदिर है, इस साइड शीतला माता का मंदिर है, वो दिखता नहीं है थोड़ा। और यहाँ पर बसे हुए हैं, कौन बसे हुए हैं, हेलो। यहाँ से ये जो पाइप आ रही है, ये ऊपर झील से आ रही है, और झील में जो भी सिल्ट होती है उसको यहाँ से बहाया जाता है इस पाइप के ज़रिए, और खड्ड के अंदर। यहाँ बहुत पाइपें लगी होनी, वो परे भी है, परे भी है 3-4 जुगाड़। हाय हाय शॉर्टकट जुगाड़, ये शॉर्टकट देखा कर नीचे से आया उत्तम कितनी दूर होनी। और ये है आपका सुंदरनगर लेक। वहाँ पर अभी हम जा सकते हैं, पर गेट बंद किया है, सुबह का टाइम है, वहाँ पर हम जा सकते हैं। ये जो मशीन है, इससे सारा कुछ जो अंदर से निकाला जाता है, रेत रूत रेत रेजर है, वहाँ पर इससे जो रेत है उससे निकल दिया से है। अभी दुकान उनको बंद है, पर साथ में आते हैं आगे सर्दी में भी। और सीट और हम कहाँ से आए, हम आए वहाँ से बस स्टैंड का, यहाँ से हम इससे ना। और वो जो टनल थी वो इसके नीचे थी, ऐसे 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 परे निकली वो टनल। ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, जूम करना इसको, बोला जाता है कि जब इस झील का काम चल रहा था तो वो जो सारे जो नीचे बिछाया गया है पत्थर मिट्टी जो भी बिछाया गया है पत्थर वगैरह, तो वो जो पत्थर लाया गया है वो उस पहाड़ को काट के लाया गया है इधर। तो नीचे एक स्टोन क्रशर होना बिल्कुल एंड पॉइंट में, वहाँ पहाड़ है, तो वहाँ से पत्थर लाया गया जब इस झील में बिछाया गया था, तो ऐसा भी बोला जाता है। सबके मन में ये सवाल होना कि जो पूरा झील है इसके बीच में इस टापू को क्यों रखा गया, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को भी आदित्य वर्मा जी ने बताया कि ये जो टापू है ये इसके ऊपर ये कब्रिस्तान था। तो इसमें हमारे मुसलमान भाइयों के जो भी पूर्वज हैं वो इसमें दबाए गए हैं, मुसलमान होते हैं वो दबाते हैं। तो कि इसको हटा दिया जाएगा, तो मुसलमान भाइयों ने विरोध किया कि नहीं इसको नहीं हटाया जाएगा, तो इसलिए इसको वहीं पर रखा गया और इसको नहीं हटाया गया। तो यही इसकी कहानी है, जो बीच में रखा गया टापू, यही इसकी कहानी है कि ये कब्रिस्तान है। ये जो आप पीछे वाला वो देख रहे हैं, ये है शीश महल,
तो इसके ठीक नीचे से टनल जाती है और टनल कहीं से भीड़ का पानी हो गिराती है फिर डर पावर हाउस में, तो यहीं से वो टनल जाती है और नीचे से पानी जाता है और वो टनल होती है इंजीनियरिंग कॉलेज के वो जो पहाड़ है पीछे जाती है उससे नीचे से होकर जाती है और डर में जाके गिरती है। ये डर पावर ये कहानी है कल्याण गौ सदन बाहर। अच्छा वो देख रहे हो भाई बड़े भारी है बड़े भारी भाई यहाँ ये था एक छोटा सा ब्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और थैंक यू कमेंट देते जाना लास्ट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय केयर।